दिल्ली में शराब नीति को लेकर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की गई। वो बड़ी बड़ी लगी है, तो आप वो बात करते हैं। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब सड़क तक आ गई है, अब सीएम केजरीवाल के घर तक आ गई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सिविल लाइन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है, जहां पर दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता सड़क पर आ पहुंचे हैं, सड़क पर उतर गए हैं और देखिए हाथों में पोस्टर्स लेकर ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और केजरीवाल का देखो खेल, शराब में पास पानी में फेल, जो अरविंद केजरीवाल जो की सीएम है दिल्ली के, उनकी शराब नीति के खिलाफ दिल्ली प्रदेश बीजेपी का यहां पर हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और इससे पहले भी सड़क पर उतर कर हल्ला बोलते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि शराब घोटाले यानी कि आबकारी नीति के खिलाफ ये तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के सड़क पर उतर गए हैं। और अब ये देखना होगा कि एक तरफ जब आप ये हवाला दे रही है कि उन्होंने दिल्ली के लिए एक अच्छी शिक्षा नीति की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं जो है उन्होंने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब नीति की बात वो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया है और इसी फायदे के खिलाफ दिल्ली बीजेपी सिविल लाइन पर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कौन सी मांग लेकर सड़क पर उतरे हैं, आखिर कौन सी मांग है जो अब आए हैं। हम लोग केजरीवाल के जो है ना नीतियों के खिलाफ है, जितने उसने वादा किया वो सारी की सारी झूठी है। जैसे कि पानी से ले लीजिए आप मैडम, ऐसा कौन सा घर नहीं है जो आज 500-600 रुपए की पानी खरीद के पी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि जो पानी हम फ्री देते हैं, और जो पानी आते भी हैं तो जगह जगह हैंड पंप का पानी अगर जनता शराब नीति में क्या मैडम, एक्चुअल में हम ये चाह रहे हैं, जो ये दिल्ली हमारी देश की धड़कन है, राजधानी है, क्या शराब यहाँ पर ऐसे पानी के तरह है? क्या हमारे बच्चे सुबह सो के उठे तो इसी चीज को देखे? क्या 10 बजे हम अपने रिक्शे में गाड़ी में बाइक में निकल के देखे तो 1 से 5 किलोमीटर तक की ऐसे शराब के ठेके पे लाइन लगे हुए? क्या केजरीवाल यही सरकार चला रही है? क्या केजरीवाल से हमारे और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं क्या यही उम्मीद करते हैं? हम इसका घोर निंदा करते हैं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ना हमें इनका कोई नीति चाहिए। ये शराब के जितने भी इन्होंने ठेके खिलाए हैं, जितने भी इन्होंने शराब के खिलाफ कोई भी काम किए हैं, हम उनका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हमें ऐसी सरकार और ऐसी शराब नीति नहीं चाहिए। हमें दिल्ली बचानी है, दिल्ली खत्म नहीं करनी है, जो कि पूरे इंडिया का दिल कहा जाता है वो दिल है। इन्होंने दिल में आग लगा दिया है केजरीवाल ने। कभी ये सड़क के बाहर, कभी ये कहा करते थे जो मैं नीली वाली कार में चलूंगा, कहाँ गए इनकी नीली वाली कार? उस कार में चल के देखे जो सड़क पे शराब खरीदने के लिए कितनी लाइन लगती है। शराब से हमारी आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो रहे हैं, डेड हो चुकी है। लेकिन केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं ना कि उन्होंने एजुकेशन इतना अच्छा किया, हेल्थ में इतना अच्छा दिल्ली कर दिया, तो ये तमाम नीतियां आप क्यों नहीं देख रहे हो? मैं आपके ये चैनल के माध्यम से ये दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, बात हो रही है शराब की, शराब जिसने दिल्ली का माहौल कर दिया खराब, नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आपने जो जिस शिक्षा की बात कर रहे हो, उन बच्चों के हाथ में आपने शराब की बोतलें थमा दी, ठेके उनके लिए रात दिन रात खोल दिए, आपने उनकी उम्र घटा दी। आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हो? आप दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हो? मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जाग जाओ, ये शराब घोटाला बंद कर दो, दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाओ। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को हटाओ, मनीष सिसोदिया गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उनसे जल रहे हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो अब मोदी जी के बराबर आ रही है।
देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मोदी जी के बराबर केजरीवाल जी पहुंचे क्यों नहीं, ये बताओ। जबकि यहाँ शराब चल रही है, छोटा बच्चा है 18 साल से छोटा, वो दारू की एक बोतल के साथ एक पूरी लेने के लिए रोड पे आ रहा है और ठेके पे जाके जरा बाहर मर्डर हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं ये छूना झपटी हो रही है दारू के पीछे तो हो रही है ये, तो इस नीति को क्यों नहीं खत्म करते, ये इनको ये नीति खत्म करनी चाहिए। मनोज सिसोदिया जी को इस समय इस्तीफा लेना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेके उनको भगाए और अपनी दोबारा से नीति चलाओ। हमारी बीजेपी का यही नारा है कि मनोज सिसोदिया को हटाओ। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जी भी जेल में जाएंगे और इनको भी जेल में जाएंगे, इनके बाद केजरीवाल जी का नंबर आएगा, ये आप देख लीजिए। नहीं अपनी नीति हटाएंगे, शिक्षा है शिक्षा करो, कौन करे मना कर रहा है। शिक्षा के विषय में तो हम बोल ही नहीं रहे, हम तो खाली दारू के विषय में बोल रहे कि दारू क्यों आ रही है, इसको एक के साथ एक फ्री क्यों दे रहे, घर घर बर्बाद हो रहा है। जो आदमी एक तनख्वाह कमा रहा है उसके बच्चे पैसे घर से चोरी करके दो दो बोतलें ला रहे, एक एक पेटी खरीद रहे, दोस्तों को बुला रहे, बाहर मर्डर कर रहे, चोरियां कर रहे, ये किस लिए कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी से हमारी यही अरदास है कि मनीष सिसोदिया को, आप लोग तो उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए भारत रत्न का। अगर अगर गलत काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, शराब बेचने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, शराब से जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, गलियों में जो शराबी इधर उधर शराब पी के घूम रहे हैं, जो आप दिल्ली के जो नौजवान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, अगर इसके लिए उनको अवार्ड की लगता है कि अवार्ड मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अल्प बुद्धि वाली बात कोई भी नहीं है। क्या गलत काम के लिए अवार्ड मिलता है क्या कभी? बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आप पार्टी की लड़ाई यहाँ पर सड़क पर बहुत ही जोरों से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस पर सड़क पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं, और इसके अलावा बीजेपी नेता विजय गोयल भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं। और यहाँ पर जिससे अगर हम बात करें जो शराब नीति है आम आदमी पार्टी के, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो मनीष सिसोदिया के चोर होने के यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि जो शराब नीति है आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ लगातार हल्ला बोलती हुई दिल्ली बीजेपी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, ए1 टीवी दिल्ली।